हेलो दोस्तों, वीकेयर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये है एल्प्रेक्स SR 0.5। यानी दोस्तों एल्प्रेक्स एक ब्रांड नेम है और अल्प्राजोलम इसके अंदर साल्ट डाला गया है। दोस्तों ये टोरेंट फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अल्प्राजोलम दवाइयाँ जो कि नींद की दवाइयाँ या डिप्रेशन एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर में यूज़ करने वाली दवाइयों के बारे में, किसको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसको आपको लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अल्प्राजोलम जो कि एक बेंजोडाइजिपिन ग्रुप का एक पार्ट है, ये ड्रग जो कि हमारे ब्रेन को काम करती है, कंट्रोल करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती है और हमें बचाती है पैनिक अटैक से, डिप्रेशन जैसी समस्या से और घबराहट अगर हमारे शरीर में होने लगती है तो उससे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे करती है। दोस्तों जब हमारे ब्रेन में कोई भी सर्टेन अनबैलेंस केमिकल रिलीज होता है तो ये उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, घबराहट तनाव जैसी शिकायत नहीं होती, पैनिक अटैक नहीं आते। दोस्तों ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, यानी बाद में इसकी आदत पड़ सकती है, तो इसे ज़्यादा लंबे समय तक ना लें, डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया वैसे ही लें। अगर आपके घर में या फैमिली में किसी को भी मेडिकेशन की कोई भी एडिक्शन है तो उससे हमेशा इसको बचा कर रखें। दोस्तों जब कभी कभार किसी पेशेंट को नींद जैसी समस्या होने लगती है, उसको टाइम पर नींद नहीं आती, उसको किसी भी वजह से उसका स्लीपिंग मोड खराब हो चुका है, उसको ज़्यादा तक झटके आते हैं, एंजाइटी घबराहट होती है, वो तनाव में ज़्यादा रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे अल्प्राजोलम प्रिस्क्राइब की जाती है। शुरुआत में डॉक्टर 0.25 से लगते हैं, फिर उसके बाद 0.5 तक और बाद में इसे ऐसे ही धीरे से घटाया जाता है। इस दवाई को एकदम से बंद किया नहीं जाता, ये शेड्यूल एच ड्रग है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे खरीद भी नहीं सकते। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस दवाई को किन किन केस में नहीं लेना है। अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है, ग्लूकोमा जिसे बोलते हैं, तो आपको इसे नहीं लेना। किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी है तो आपको इसे नहीं लेना है। अगर आपको अस्थमा या सीजर या कोई भी सुसाइडल थॉट या किसी भी तरह के सुसाइड करने की सोच आपकी बनती है या आप दारू के बहुत ही एडिक्शन आपको एडिक्शन टू अल्कोहल है तो उस केस में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करना है कि मैं ये चीज़ें पहले से कर रहा हूँ, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन को इस दवाई को नहीं लेना है, क्योंकि इस वजह से जो शिशु है आपके पेट में उसको बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है शिशु पर। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी स्तनपान के दौरान भी आपको ये टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो मैं इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बता देता हूँ। आप इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि आपको हमेशा फीलिंग स्लिपी होगा, आपको ऐसा थका थका सा फील होने लगेगा, हमेशा नींद में रहने की थोड़ी सी इच्छा होगी आपको और मेमोरी इशू भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त पे इशू पड़ सकता है। ओवरडोज अगर आपने इस दवाई की ली है तो आपको डेथ तक के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, एक्सट्रीम केस में डेथ हो सकती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, दिमाग का मसल का मसल माइंड कनेक्शन भी आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है, बोलने का पैटर्न आपका चेंज हो सकता है, ड्रोजीनेस आपको हो सकती है, धुंधला दिख सकता है आपको, पेट में दर्द आना शुरू हो सकता है, सिर दर्द वगैरह जैसी समस्या हो सकती है, डबल विजन आपको हो सकता है और सडन स्वेटिंग, एकदम स्वेटिंग, आपको पसीना आने जैसी समस्या हो सकती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों ये दवाई 3 देशों में अप्रूव की गई है, जो कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका या जापान में इस दवाई को लिया या प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर मैं आपको डोजेस के बारे में बता दूं तो दोस्तों आपको हमेशा जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आपको वैसी ही डोज लेनी है। अगर किसी केस में आप कोई डोज लेना भूल जाते हैं या आपकी डोज मिस हो जाती है तो उस मिस डोज को स्किप ही कर दें, छोड़ दें और अगले दिन अगली डोज लें। अगर आप ऐसा ना कि आप सुबह लेना भूल गए और आपने शाम को ले लिया और अगले दिन आप सुबह ले रहे हैं तो वो ओवरडोज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। दोस्तों अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो यूज़ मत करें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यूज़ मत करें। ड्रग को लेकर आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको टायर्डनेस या स्लीपिंग हो सकती है। मशीनरी पे अगर कोई किसी मशीन पे आप वर्क करते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, ऐसा करने से बचें।
अगर मैं बात करूं कि किन किन दवाइयों के साथ इसके इंट्रैक्शन हो सकते हैं, किन किन दवाइयों के साथ ये सुटेबल नहीं है, फिट नहीं बैठती, तो अगर आप पहले से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर की, कोई भी बीपी की ड्रग ले रहे हैं, तो इस टैबलेट को ना लें, या डॉक्टर को एक बार ज़रूर बता दें कि मेरी ऐसी दवाई चल रही हैं। अगर आप कोई मोरफिन पॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, ट्रामाडोल वगैरह, तब भी डॉक्टर को एक बार ज़रूर सलाह कर दें। सिट्राजिन वगैरह के साथ भी इसका इंट्रैक्शन है, तो उस केस में भी आपको ना लें। ऑरेंज जूस और ग्रेप जूस यानी अंगूर और संतरे के रस के साथ भी इस दवाई को नहीं लिया जाता है। अगर एलर्जी की बात करें तो ये, अगर आपको पहले से बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की किसी भी दवाई के साथ एलर्जी है या किसी भी अल्प्राजोलम के साथ आपको एलर्जी है, तो एक बार डॉक्टर को बता दें और इस दवाई को अवॉइड करें, ना लें। अब मैं बताता हूँ ये दवाई शरीर से बाहर कैसे निकलती है, क्योंकि इसका निकालना शरीर से बाहर बहुत ज़रूरी है, बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट कोस कर सकती है। तो दोस्तों 44 घंटे तक इसका असर रहता है। अगर आप इमीडिएट रिलीज वाली टैबलेट लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ IR, SR और ER के बारे में। IR यानी इमीडिएट रिजल्ट, जो टैबलेट आप लेते ही एकदम से आपको रिजल्ट दे, वो होती है IR, इमीडिएट रिजल्ट। एक्सटेंडेड रिजल्ट, जिसके रिजल्ट थोड़े थोड़े बढ़ते शुरू जाएँ, वो है एक्सटेंडेड रिजल्ट। और सस्टेन रिलीज, जो सारे दिन आपको धीरे धीरे रिलीज़ होती रहे आपकी बॉडी से, वो है SR, सस्टेन रिलीज। तो ये यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। 44 घंटे तक इमीडिएट रिलीज वाली टैबलेट का असर रहता है और 52 घंटे तक एक्सटेंडेड रिलीज और सस्टेन रिलीज का असर रहता है। दोस्तों इसका रिजल्ट कितनी देर में शुरू होता है, यह मैं आपको बताता हूँ। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको इमीडिएट रिलीज वाली, जो एकदम से तुरंत आपकी बॉडी में रिलीज हो जाती है, वो टैबलेट 1 से 2 घंटे के अंदर रिजल्ट शुरू कर देती है। और 9 घंटे बाद रिजल्ट शुरू होता है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का। तो दोस्तों ऐसे अल्प्राजोलम काम करती है। ये था अल्प्राजोलम का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।